गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास सेकंड का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे और हमारा पेज नंबर है 14। ठीक है, आपको पेज नंबर 14 ओपन करना है और चैप्टर का नाम है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर हमारे क्या क्या काम आता है, कैसे वो हमारी हेल्प करता है। मैं चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, आपको अपनी बुक पर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, हैव यू यूज द कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर को यूज़ में लेते हो? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिटेल। यानी कि आज हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर अलग अलग जगह पे किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस एक्यूरेटली एंड ईजीली। कंप्यूटर किससे चलता है? बिजली से चलता है, और उसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ईजी वे में काम करते हैं और बहुत ही अलग अलग काम को कर सकते हैं। Nowadays we use computers to play games, to work and to do many more things. कंप्यूटर पर हम गेम खेल सकते हैं और भी बहुत सारे काम है वो कंप्यूटर पर हम कर सकते हैं। Computers are being used in offices, hospitals, school, bank and etc. कंप्यूटर हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं, कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ देखते हैं? ऑफिस में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं और बैंक में और अदर बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। फिर यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डू अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर में क्या एबिलिटी होती है, उसमें कंप्यूटर की खासियत होती है कि वो बहुत सारे काम को अच्छे से एक साथ कर सकता है। यू कैन सी कंप्यूटर एट स्कूल, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एट सेवरल अदर प्लेसेस। आप कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखते हो? ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में और बहुत सारी जगहों पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन स्कूल। कंप्यूटर्स आर यूज टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर क्या करता है, जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, जो टीचिंग का जो मेथड होता है, उसको क्या करता है, ईजी बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है, मज़ेदार बनाता है। हम किसी भी काम को, जो हमें काम को बोरिंग लगता है, उस काम को हम कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही मज़े से अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर रिजल्ट। और कंप्यूटर क्या करता है, बच्चों का जो रिजल्ट होता है, यानी कि बच्चों के एग्जाम में कितने नंबर आए, कितने, उनका जो सारा रिकॉर्ड होता है एग्ज़ाम का, वो कंप्यूटर अपने पास रखता है। उसमें हम लॉन्ग टाइम तक उस रिकॉर्ड को हम सेव करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर क्या करता है, ऑफिस में रिकॉर्ड रखता है। ऑफिस में जो भी वर्कर वगैरह जो भी वहाँ पर काम करते हैं, उन सारे का रिकॉर्ड वो कंप्यूटर अपने अंदर रखता है। दे आर आल्सो यूज टू मेक सैलरी स्लिप, सेंडिंग मैसेजेस एक्सेट्रा। यानी कि जो वर्कर का जो भी सैलरी का जो भी हिसाब किताब होता है और किसी को कोई मैसेज करना होता है या फिर कोई स्लिप वगैरह बनानी होती है, वो सारे कंप्यूटर के द्वारा जल्दी से और अच्छे से की जा सकती है। फिर है इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स हेल्प डॉक्टर्स इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिसिंस, डायग्नोसिस डिसीजेज एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशन। कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी पेशेंट वगैरह आते हैं हॉस्पिटल में, वो क्या करता है, हॉस्पिटल के जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा पेशेंट कब एडमिट हुआ, कब उसको डिस्चार्ज किया, उनको कौन सी मेडिसिंस दी गई और उनके जो इनका जो बिल बनता है, यानी कि दवाइयों का जो भी उनका चार्ज बनता है हॉस्पिटल का, वो सारा चार्ज वगैरह बिल वगैरह किससे बनता है, वो कंप्यूटर से बनता है। और जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उसमें भी कंप्यूटर डॉक्टर्स की हेल्प करता है। कंप्यूटर्स आल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग द मेडिकल रिपोर्ट, और मेडिकल रिपोर्ट को बनाने में भी वो हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट, इन बैंक कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन कस्टमर अकाउंट। कस्टमर का जो अकाउंट होता है, यानी कि उनका बैंक का जो कितना हिसाब किताब है, यानी कि उसमें कितना उनका अकाउंट का जो भी होता है कि कितना बैंक बैलेंस जो भी है, उनका सबका हिसाब किताब कंप्यूटर रखता है। इट आल्सो हेल्प अस टू सिक्योरिटी लेवल एंड कीप अ चेक ऑन एवरीवन इन बैंक। और उनका जो बैंक का जो रिकॉर्ड है उसको बिल्कुल सेफ भी रखता है, यानी कि किसी के आगे वो किसी को पता नहीं चलता उसके आगे, पर ऐसी प्राइवेसी होती है ताकि हम किसी को उससे छिपा भी सकते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा। यानी कि बैंक क्या करता है, जो भी वर्कर वगैरह जो भी होते हैं उसमें कस्टमर उनका रिकॉर्ड रखता है, उनके पैसों का जो भी लेन देन वगैरह होते हैं उन सारे का रिकॉर्ड रखता है, लोन वगैरह जिसका भी होता है। फिर इन शॉप यानी कि दुकान वगैरह में जो काम कंप्यूटर होते हैं वो हमारे कैसे काम आते हैं, किस तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं। इन शॉप्स द शॉपकीपर मेक दिस बिल्स ऑन अ कंप्यूटर। दुकान में कंप्यूटर क्या काम आता है, बिल वगैरह बनाने के भी काम आता है। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स
अवेलेबल इन द शॉप। और कंप्यूटर ये भी काम आता है कि दुकान में कौन से जो आइटम है वो अवेलेबल है, कौन से ख़त्म हो चुके हैं, इन सारे का रिकॉर्ड भी वो कंप्यूटर रखता है। फिर एट होम, अब हमारे घर पे कंप्यूटर हमारे क्या काम आता है। एट होम कंप्यूटर्स आर यूज टू प्ले गेम। सबसे पहले क्या काम आता है कंप्यूटर, बच्चों के गेम खेलने के भी काम आता है। वॉच मूवीज़ यानी कि मूवीज़ देखने भी काम आता है। लिसन टू म्यूजिक यानी कि हमारे गाने सुनने के भी काम आता है। एंड सेंडिंग मैसेजेस, और हमें किसी को सेंडिंग मैसेजेस टू फ्रेंड्स यानी कि हम किसी भी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को मैसेज वगैरह भेजने होते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, अब आपने देख लिया कि कंप्यूटर में कहाँ कहाँ काम आता है, हॉस्पिटल में, स्कूल में, बैंक में, शॉप में और घर पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर हमारे बहुत ही काम आता है। ठीक है, अब आपको वापस यूजेस ऑफ कंप्यूटर को वापस से पढ़ना है, अच्छे से आपको समझना है कि कंप्यूटर हमारे क्या क्या काम आता है, कैसे हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर का जो आगे वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।